उधम सिंह नगर में किसानी तरह की शिकायत ने पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना। पीएम पर लगाया सिर्फ वोट की राजनीति करने का आरोप। शहीद किसान स्मारक और स्मृति द्वार का शिलान्यास करने पहुंचे थे राकेश टिकैत। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने गंगोत्री विधानसभा के भटवाड़ी में किया जनसंपर्क। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने मंगलौर में आरक्षित वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना, कहा अनिश्चित है भाजपा का भविष्य। उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बसपा। रुड़की में कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी ने किया ऐलान। पीपल्स पार्टी ऑफ पार्टी इंडिया डेमोक्रेटिक ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने किया उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। अब आगे बढ़ते हैं। आज साल का आखिरी दिन है, यानी कि आज रात 12 बजे के बाद से नए साल का जश्न शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बार नए साल का जश्न मनाने उत्तराखंड आने वाले सैलानियों का रंग फीका रहने वाला है। प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना के केसों की वजह से सरकार ने जश्न पर पाबंदी लगा दी है। बिल्कुल दीपा, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच अब प्रदेश सरकार पहले ही नाइट कर्फ्यू तो लगा चुकी है, जिसके तहत रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। ऐसे में नए साल का जश्न मनाने के लिए उत्तराखंड का रुख करने वाले सैलानियों के लिए पाबंदियां रहेंगी। प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की हुई है। पहले से नए साल का जश्न मनाने के लिए उत्तराखंड के होटल बुक कराने वालों को प्रदेश में एंट्री दी जाएगी। सिर्फ यही लोग हैं जिन्हें एंट्री मिल पाएगी। बिल्कुल अनु, ये जरूरी भी है क्योंकि पिछले 24 घंटे की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना के 59 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में अब कोरोना मरीजों की संख्या 255 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा केस देहरादून से मिले हैं। देहरादून में गुरुवार को कुल 25 नए केस सामने आए, जबकि नैनीताल में 12, हरिद्वार में 7, उत्तरकाशी में 1, बागेश्वर में 2, पिथौरागढ़ में 2, उधम सिंह नगर में 9 और चमोली में 1 कोरोना का केस मिला है, जिसके बाद से अब तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल दीपा, और ये उन दर्शकों के लिए, उन लोगों के लिए जानकारी अहम है जो शायद बैग पैक कर सीधा जाना चाहते हैं न्यू ईयर मनाने के लिए, तो उन्हें जानना जरूरी है। जिन्होंने पहले से बुकिंग की हुई है सिर्फ उन्हीं को एंट्री मिलेगी। बिल्कुल, उधर पिथौरागढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के साथ ही जिला प्रशासन ने भी अब सतर्कता बढ़ा दी है। जिले के एंट्री पॉइंट्स पर चेकिंग के साथ ही टेस्टिंग भी बढ़ाई जा रही है। बिल्कुल, सीमावर्ती जिला होने की वजह से भी यहां पर एहतियात और बढ़ते जा रहे हैं। ट्रेसिंग, जो भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनकी हम कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और सैंपलिंग बढ़ा रहे हैं इसी कारण से। और चूंकि हमारा सेकेंड वैक्सीनेशन का जो परसेंटेज है वो 83% के आसपास है डोजेस का, तो हम सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे हैं उसमें। और इसको कंट्रोल करने के लिए जो भी आवश्यक कदम है वो हम उठा रहे हैं।